अरे ओ पुलिस से डरने वालों, आ गई है पुलिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं करने वाला हूँ सूर्यवंशी का फिल्म रिव्यू। तो पर्सनली मैं ये कहूंगा कि ये एक बॉलीवुड मसाला फिल्म है जो कि डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने और इस फिल्म की स्टोरी भी रोहित शेट्टी ने लिखी है। इसके लीड एक्टर है अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह और कैटरीना कैफ। और ये फिल्म बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करने वाली। पर अगर आप इस फिल्म में फाइट सीन वगैरह में कोई लॉजिक ढूंढने जाओगे तो मैं तो यही कहूंगा कि लॉजिक घर पर ही छोड़कर जाना, क्योंकि रोहित शेट्टी का टिपिकल स्टाइल है गाड़ियों को हवा में उड़ाने का, जो कि बड़े पर्दे पर देखने में हमें अच्छा भी लगता है। तो आप पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देखने जा सकते हो, क्योंकि इस फिल्म में तगड़े एक्शन के साथ साथ फैमिली वैल्यू पर भी थोड़ा फोकस किया गया है। बाकी हम बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो हमें बहुत कॉमन सी लगेगी। इंडिया में बहुत सी जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और उनका अगला निशाना है मुंबई, और इतिहास गवाह है कि मुंबई पर आतंकवादियों के जरिए पहले भी बहुत सारे बम ब्लास्ट किए गए हैं। तो उसी टॉपिक पर यह बेस्ड मूवी है जिसमें एंटी एसटी वीर सूर्यवंशी इस पूरे केस को संभालेंगे। मूवी का करंट टाइम 2 से 2.5 घंटे का है, पर इस मूवी का देखने का मजा सिर्फ थिएटर में ही है। तो जैसे कि मैंने कहा, यह एक फुल टू मसाला फिल्म है, तो इसमें एक्शन और स्टोरी के साथ साथ आप पेट पकड़कर काफी हंसने वाले हो। छोटे छोटे इंसिडेंट के जरिए आपको कॉमेडी का नेचुरल डोज देखने को मिलेगा। स्पेशली अक्षय कुमार को एक बड़ी विचित्र सी बीमारी होती है जिसको जब जब सामने लाया गया है तब तब आपको हंसी जरूर आएगी, और आपको बहुत से मराठी शब्द भी सुनने को मिलेंगे। जब जब फाइट सीन में बंदूक चली है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, कसम से मजा आया था, क्या म्यूजिक है। और वो बंदूक की गोली की आवाज म्यूजिक बीट से मैच करती है, उस बीट के साथ एक्शन चलता है, तब उस एक्शन सीन को देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। और इस मूवी को एडिट किया है वंटी नेगी ने और सिनेमेटोग्राफी किया जॉवन टीजोन ने। और लास्ट फाइट सीन के वक्त जिस तरीके से कैमरा वर्क हुआ है, उफ गजब। स्पेशली लास्ट फाइट में अजय देवगन पूरा क्रेडिट ले जाएंगे। अजय देवगन की आने वाली फिल्म सिंघम 3 का एक बड़ा हिंट दिया गया है। फिल्म के बीच बीच काफी सारे सोशल मैसेज देने का मेकर्स ने ट्राई किया है। कुछ सीन हमें बहुत ओपन माइंडेड होकर देखने पड़ेंगे क्योंकि उन सीन को रिलीजन के साथ जोड़ा गया है। हिंदू मुस्लिम कुछ लोग इस बात का बतंगड़ बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को दर्शाया गया है, इस फिल्म का इस बात का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह का किसी पर भी कोई बुरा असर ना हो और पॉजिटिव सोच लोगों तक पहुंच सके। एंड आई रिक्वेस्ट, बहुत दिनों बाद कोई बड़ी फिल्म थिएटर में लगी है तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर, रोहित शेट्टी, अरुणा भाटिया एंड अदर पीपल। फिल्म में गाने काफी ज्यादा अच्छे हैं, जो कि आपने गाना सुना ही होगा, टिप्पे टिप्पे बरसा पानी। फिल्म का बजट है 165 करोड़ और ये मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है, और मैं इस मूवी को दूंगा 4 out of 5 स्टार।